हेलो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त गुलशन कुमार। तो यहां पर हम आ चुके हैं आपके लिए एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको आज ले चलेंगे रमेश चौक के पास। 15 अगस्त के दिन का ये वीडियो शूट हो रहा है दोस्तों, और रमेश चौक पे हम जा रहे हैं। वहाँ पर आज कुछ थोड़ी स्पेशल डेकोरेशन वगैरह हुई है, थोड़ी अच्छी स्पेशल वीडियो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 15 अगस्त पे शूट हो रहा है ये, यानी इंडिपेंडेंस डे के तौर पर ये वीडियो शूट हो रहा है। और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ आज हम आपको सैर पर ले जाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हम सबसे पहले तो अभी रमेश चौक पे आ चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर रमेश चौक के आपको किनारे में अगर आप देखोगे तो ये साइड में आपको ये देखने को मिलेगा इस तरह से। रेगुलरली जो टाइम होता है उस टाइम भी आपको यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो खास चीज़ है वो है कि आज यहाँ पर थोड़ा डेकोरेशन किया गया है, एंड जो चीज़ नहीं चल रही होती थी जैसे झरना वगैरह एंड ऑल चीज़ें, वो चीज़ें आज आपको चलती हुई और सजावट के साथ देखने को मिलेगी। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर सैर कराने आया हूँ। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राउड है, यानी भीड़ है। वैसे तो संडे को यहाँ पर लॉकडाउन है, यानी कि संडे को बंद ही रहता है, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर बहुत सारे क्राउड देखने को हमें मिले हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा जो इंडिया का जो तिरंगा है ये आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार यहाँ पर लहरा रहा है, और सदा ये ऐसे ही लहराते रहे, हम यही दुआ करेंगे। तो चलिए आपको और भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से यहाँ पर इन्होंने झरना वगैरह का यहाँ पर लगाया था, तो ये अभी चालू नहीं हुआ है, यानी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो इस तरह से स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगी। और मैं आपको रात का सीन भी दिखाऊँगा कि रात में किस तरह से यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको यहाँ पर बहुत ही प्यारा देखने में लुक यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं अभी आपको दिन में दिखा रहा हूँ, ये मैं शाम को 4 बजे आया था वीडियो शूट करने। तो ये देख सकते हो यहाँ पर रमेश चौक पे इस तरह से यहाँ पर सजावट किया गया है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर सजावट किया गया है, तो सजावट जो जिन्होंने भी किया है या हमारे DM के तरफ से या जिनके तरफ से भी ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो उनके लिए तो एक लाइक बनता है दोस्तों। और अगर आप औरंगाबाद की निवासी हो तो आप तो ज़रूर से लाइक करना, और नीचे कमेंट में ज़रूर अपना कोई भी प्यार सुझाव जो भी हो आप नीचे ज़रूर से हमें लिख देना। और ये आप देख सकते हो, ये आपको रमेश चौक के दूसरे साइड में आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। यहाँ पर छोटी सी पार्क का तरह बना हुआ है, जहाँ पर आपको गोल्ड से राउंड से शेप बनाया, उसमें पानी है, और वही पानी जो यहाँ पर फव्वारे की तरह झरने की तरह यहाँ पर दिखाया गया है उसको। और अगर आप देखोगे तो ये आपको शाम का सीन हम दिखा रहे हैं, तो ये देखोगे रात जब होने के बाद यहाँ पर जो नज़ारा होती है वो क्या ही काबिले तारीफ होती है दोस्तों। आप देख सकते हो मतलब औरंगाबाद ये जो शहर है, बिहार का एक शहर है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर डेकोरेशन उस मामले में, पहले यहाँ पर उतनी डेवलपमेंट नहीं थी, अब धीरे धीरे बहुत डेवलप हो चुका है हमारा औरंगाबाद बिहार, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से बहुत ही काफ़ी शानदार यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग देखने को मिलता है हमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव देनी हो तो आप नीचे कमेंट करें। अगर आपको इन दोनों की बात अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर ले दोस्तों। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, कॉन्टेंट बनाते हैं, और अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम निराश होंगे दोस्तों। तो इसलिए आप ज़रूर से हमारे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप औरंगाबाद की हो तो नीचे ज़रूर से कमेंट करना, हम आपसे मीटअप वगैरह भी कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ लाइक कीजिए।